हाय दोस्तों, रीसेल की प्रॉपर्टी है जिसका मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, लोधा कासा मैक्सिमा मीरा रोड। इसमें लोधा वाले ने अभी पोजीशन दिया है इस सोसाइटी का। 23-23 माले का 4 टावर है और अभी रिटर्नली पोजीशन दिया है ओसी के साथ, 24 घंटा पानी के साथ ये डिलीवर किए हैं। और इसमें कुछ इन्वेस्टर के फ्लैट आए हैं रीसेल में, करीबन 20-25 फ्लैट आए हैं सेल करने के लिए, जो ठीक अच्छी प्राइस में दे रहे हैं। आज इसी लोधा कासा मैक्सिमा मीरा रोड के बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं दिखाता हूं यहां पे किस टाइप का फ्लैट है, एलिवेशन कैसा है। अलग इन्होंने 11 माले का एक पूरे पार्किंग का टावर बनाया है, वो कैसा है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम वगैरह सब कुछ मैं लाइव दिखाता हूं। उसके बाद मैं डिटेल में बात करूंगा, फिर हमारी सर्विसेज की बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपसे विदा लूंगा। आइए देखते हैं किस टाइप का प्रॉपर्टी है यहां पे, लाइव देखते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं हम लोधा कासा मैक्सिमा मीरा रोड में। ये इसका जब आप बिल्डिंग में एंट्री करते हैं तो ये एक पूरा आपको ये जगह मिलता है। ये बिल्डिंग से बाहर जाने का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है 4 टावर का, ये जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ से आपको मेन रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। और यहाँ से जैसे आप राइट लेके और आगे सर्कल है 4 रास्ते से, जैसे आप वापस राइट लेते हैं तो सीधा सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुँचते हैं। ये इसका मेन एंट्री है और सामने जो 11 माले की बिल्डिंग देख रहे हैं वो सिर्फ पार्किंग है और ये 23-23 माले का 4 टावर है। और ये कुछ अंदर की एमिनिटीज मैं आपको स्टार्ट में दिखा रहा हूँ। ये एंट्रेंस लॉबी है, इसके बाद मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। 1 BHK और 2 BHK दोनों में इसमें आपको दिखाऊंगा। एक ही वीडियो में मैंने दोनों कवर किया है, दोनों आप देख सकते हैं। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। चारों बिल्डिंग का एंट्रेंस लॉबी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट एज इट इज ऐसे ही है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर में भी कुछ फ्लैट्स दिया है इन्होंने, क्योंकि पार्किंग के लिए जब ये अलग से टावर दे देते हैं तो फिर जरूरत नहीं पड़ जाती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका 1 BHK और 2 BHK की प्रॉपर्टी कैसा है। इसका स्टेयरकेस, ये मैंने एंट्रेंस लॉबी दिखाया, आप चलते हैं डायरेक्ट फ्लैट दिखाता हूँ। ये 1 BHK की प्रॉपर्टी है। 1 BHK में इन्होंने L टाइप का लिविंग डाइनिंग एरिया यानी हॉल बनाया है। आप देखें तो जनरली कहीं पे भी बहुत कम देखने को मिलता है कि इसमें डाइनिंग का एरिया अलग से सेपरेट किया हुआ हो। 485 स्क्वायर फुट इसका लगभग कारपेट एरिया है 1 BHK का। और ये इसका छज्जा है, सामने स्विमिंग पूल का व्यू है ये फ्लैट का, ये 1 BHK का। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसमें जो इन्वेस्टर फ्लैट हैं रेडी में ओसी के साथ 24 आवर्स वाटर के साथ, इन्वेस्टर फ्लैट इसमें काफ़ी कुछ सेल करने के लिए आया है। हमारे पास 8 से 10 फ्लैट है इसमें सेल करने के लिए। 1 BHK और 2 BHK दोनों प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये इसका किचन, किचन में देखें तो सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म दोनों साइड दिया हुआ है आमने सामने। एक्चुअल बायर तो अगर ख़रीदना हो तो फ़ोन करें, अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर हो जिनके क्लाइंट को अगर ज़रूरत हो तो वो भी हमें फ़ोन करें, हम उनको भी हेल्प करेंगे। ये इसका एंट्री करते ही आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है, लास्ट में आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है और एक और यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, किचन में भी दिया हुआ है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम में भी अटैच्ड आप देखें तो अलग से एक जगह दिया हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप बढ़िया वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट, वाटर कनेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है। सारे ब्रांडेड एसेसरीज यूज़ करते हैं ये, इलेक्ट्रिक के लिए हो या प्लम्बिंग के लिए हो या फॉसिलिंग किसी भी चीज़ के लिए हो। इसमें 2 एयर कंडीशन आपको ये लगा के दे रहे हैं 1 BHK में। बहुत ही खूबसूरत टाइल्स और मार्बल्स का यूज़ किया है ऑलरेडी इन्होंने, ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये इसका पैसेज एरिया है और इसमें भी मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। मास्टर बेडरूम देने के बाद एक दो फैमिली सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर जगह हो जाता है, अगर कम बजट में करना चाहें तो। वैसे अगर आपके पास पैसा है, बड़ा अच्छे बजट है, तो आप 2 BHK या 3 BHK ले सकते हैं, बट एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है तो हॉल में और एक बेडरूम में दो फैमिली सर्वाइव कर लेते हैं। इसमें अलग से एक वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। विंडो के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं मास्टर बेडरूम का वॉशरूम दिखा देता हूँ, किस टाइप का है वो देख लें आप। इसमें वॉश बेसिन, मार्बल प्लेटफॉर्म, प्रॉपर इन्होंने सारा कुछ बना के दिया है। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप जब शिफ्ट हुए तो आप फर्नीचर आपको बनाना पड़ेगा। सामने मिरर वगैरह भी लगा के दिया है बिल्डर ने। ये 1 BHK देखने के बाद मैं आपको 2 BHK दिखाता हूँ। इसमें वार्डरोब का स्पेस उन्होंने अलग से दे दिया है वॉल के अंदर, तो ये एक अच्छा बात है कि जब आप वार्डरोब आपका दीवार के अंदर फिट हो जाता है तो जब आप बेड बीच में बनाते हैं तो एक अच्छा खासा स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल जाता है बेडरूम के अंदर। ये इसका डाइनिंग स्पेस, और आगे जाते हैं तो जैसे आप लेफ्ट लेते हैं तो आपका लिविंग स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप सोफा, TV यूनिट वगैरह लगा सकते हैं। ये इसका स्टेयरकेस है। ये पैसेज है, दो इसमें हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, 2 से 3 लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है इसमें। अभी तो कंपलसरी हो गया है, जो 7 माले के ऊपर की बिल्डिंगें हैं सब में 2 स्टेयरकेस मस्ट हो गया है, जरूरी हो गया है। ये इसका दूसरा स्टेयरकेस है। अभी चलते हैं 2 BHK देखते हैं इसका किस टाइप का है। ये इसका 2 BHK का फ्लैट है। 2 BHK भी आप देखें तो काफी बढ़िया लग्जरी दिया हुआ है। इसमें एक लिविंग डाइनिंग एरिया L टाइप का, इसमें भी हॉल दिया हुआ है। इसमें एक 4 से 5 फुट का बालकनी दिया हुआ है, 5 से 6 फुट की बड़ी बालकनी दिया हुआ है 2 BHK। इसमें 2 BHK 2 टाइप का है, एक डेक वाली है और एक बिना डेक वाला है। ये डेक वाले में ये बड़ा बालकनी दिया हुआ है, बिना डेक वाले में बालकनी नहीं दिया हुआ है, तो उसके प्राइस में भी डिफरेंस है। आप देखें तो 3 से 4 लाख रुपए के प्राइस में भी डिफरेंट है। विदाउट डेक वाला भी हमारे पास सेल करने के लिए है और डेक वाला भी 2 BHK हमारे पास सेल करने के लिए है। आपकी जैसे चॉइस है, जैसा आपका बजट है वैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया भी प्रॉपर दिया हुआ है, जहां आप 6 चेयर का डाइनिंग टेबल आप लगा सकते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न उन्होंने दिया है। सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म को सामने सामने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और एंट्री करते ही आपको फ्रिज का स्पेस जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको दिया गया है। वैसे तो ओपन किचन का कंसेप्ट है, आप दरवाज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज ओपन किचन भी आप रख सकते हैं। और इसकी एक वास्तु के हिसाब से ये घर बहुत अच्छा माना जाता है कि किचन के जस्ट सामने कोई टॉयलेट वॉशरूम नहीं है, सामने डाइनिंग एरिया आपको मिल रहा है। कॉमन टॉयलेट वॉशरूम थोड़ा आगे जाके है। इसमें भी मिरर, वॉश बेसिन वगैरह सब एज इट इज, जो 1 BHK के वॉशरूम जैसा बनाया था वैसा ही इसमें दिया हुआ है। इसमें भी वॉशिंग मशीन के लिए अलग से यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। अभी इसका दोनों बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है।
ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जिसमें सामने वार्डरोब का स्पेस है और उसी के बाजू में विंडो दिया हुआ है और सारे इसके फ्रेंच विंडो है, फुल ओपन होता है विंडो। जब पूरा विंडो ओपन होता है तो आपको एयर का, सनलाइट का वेंटिलेशन बहुत बढ़िया मिल जाता है। अभी इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। और दूसरा इसका मास्टर बेडरूम है बिकॉज हर एक 2 BHK में एक ही कंसेप्ट रहता है 1 BHK, तो 1 BHK में मास्टर बेडरूम होता ही है। 2 BHK में एक मास्टर बेडरूम यानी अटैच्ड वॉशरूम और एक कॉमन बेडरूम होता है जिसमें वॉशरूम नहीं होता। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। यह पूरी तरह से घर बैठे देख लें, आपका आने जाने का टाइम, गाड़ी का डीजल, पेट्रोल, ये सब आपका सेविंग हो जाता है दोस्तों। अगर आपको इंटरेस्ट है परचेस करने में तो आप हमें ज़रूर फ़ोन करें। काफ़ी मेहनत लगता है हमें ये वीडियो बनाने में, हर एक प्रोजेक्ट पे जाके शूट करने में, और अलग अलग तरीके से एक बार ऑडियो शूट होता है, फिर एक बार वीडियो शूट होता है, उसके बाद हम लोग फिर प्रॉपर तरीके से करके अपने व्यूअर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट करते हैं। ये हमने आपको 2 BHK दिखाया है। कुछ एमिनिटीज़ जो रेडी हो गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लें, घर बैठे समझ लें। सारा कुछ पूरा प्रोजेक्ट हमने शूट किया है और दिखाया है अपनी इस वीडियो में। आपका ये वीडियो कुछ 20-22 मिनट टाइम लेगा, लेकिन आपको घर बैठे सब आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद आप खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पर, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे इस रीसेल में, डील में कराने में। न्यू जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है, जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम जो काम करती है एज ए चैनल पार्टनर, एज ए डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर काम करती है, तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ है, एक 15-20 प्रॉपर्टी बचा हुआ है। तो अगर उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप हमें फोन करें। जो कुछ हमारे ही कस्टमर्स हैं, जो कुछ कैंसिलेशन, जिनका किसी तरह से लोन नहीं हो पाया है या किसी वजह से उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई है, तो उनके लिए उन्हें फ्लैट कैंसिल करना पड़ा, फ्लैट का डील, तो वो प्रॉपर्टी कुछ हमारे पास हैं जो बिल्डर के ही हैं सेल करने के लिए। तो अगर आपको नए में भी लेना है तो वो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, तो लॉन्चिंग में आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं जाएगा और पूरा टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। ये इसका दूसरा स्टेयरकेस है, दूसरी सीढ़ी है। ये इसका पार्किंग का स्पेस है। ये जो मैं आपको पार्किंग दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और ऐसे ऐसे पूरे 11 माले की बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ पार्किंग ही है, इसमें रेसिडेंशियल इन्होंने बनाया ही नहीं है। लोधा का एक कंसेप्ट है कि वो पार्किंग के लिए पर्टिकुलर एक अलग से टावर बनाते हैं, जिसे कार पार्किंग फ्री एरिया बोल सकते हैं। एक टावर उन्होंने बना दिया, वहाँ पे सारे कार पार्क हो जाएगा और पब्लिक अपने बिल्डिंग में रह पाएगी। ये इसका बैंक्वेट हॉल है जो मैं दिखा रहा हूँ। अटैच्ड पेंट्री यानी किचन एरिया से अटैच्ड है। यहाँ पे अभी कुछ गणपति का त्यौहार चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग गणपति स्थापना है। ये ओपन टेरेस टाइप का है, ये क्लब हाउस है एक्चुअली, इसमें ऊपर बैंक्वेट हॉल है और ये ओपन पार्टी हॉल है, ओपन पार्टी स्पेस है। और यहाँ से आप देखें तो व्यू बहुत खूबसूरत आता है, यहाँ से पूरा स्विमिंग पूल आपको दिखता है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा स्विमिंग पूल, इसके आगे बच्चों का किड्स स्विमिंग पूल है, जैकूजी है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करते हैं लोधा वाले, का कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, बहुत ही लग्जरी और बढ़िया डिज़ाइन करते हैं। ये बच्चों के लिए किड्स स्विमिंग पूल है।
और ये सामने 11 माले का पूरा पार्किंग है ये बिल्डिंग, इसमें पूरे पार्किंग ही है क्योंकि पार्किंग एरिया और कहीं भी नहीं है, यही 11 माले की बिल्डिंग पूरा पार्किंग है। ये बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है। यहाँ पे देखें तो जिमनासियम इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिम एरिया को ट्रेडमिल और कुछ कार्डियो के मशीन्स रखे हुए हैं। कुछ एमिनिटीज़ अभी रेडी नहीं हुआ है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, अभी और भी एमिनिटीज़ का काम चालू है, इसमें स्टार्ट है। ये इसके स्विमिंग पूल है, अभी तो 1x1 इसका पोजीशन हो ही रहा है, अभी पूरी तरह से पोजीशन सब लोगों ने नहीं लिया है, 1x1 करके लोधा वाले हैंडओवर कर रहे हैं। अभी 4 टावर का कॉम्प्लेक्स है ये, 23-23 माले का 4 टावर है, लगभग 600 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है ये। ये इसका एक टाइप का जैक्यूजी है, बॉडी मसाज के लिए वाटर प्रेशर आपको मिलता है। एलिवेशन बहुत मैटर करता है, ये मैं नीचे से आपको स्विमिंग पूल दिखा रहा हूँ, कुछ लोग पूल को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है और बड़ों के लिए है। कुछ एरिया अभी पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये सामने ही आप देख सकते हैं बैंक्वेट हॉल और ओपन टेरेस था। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, अभी मंदिर कंप्लीट वर्किंग नहीं है, बट हिंदू फैमिलीज के लिए, हिंदूज के लिए पूजा पाठ के लिए इन्होंने मंदिर का भी प्रोविजन किया है लोधा बिल्डर्स ने। अभी जो आपने फ्लैट देखा दोस्तों, बिल्डिंग का एलिवेशन देखा, ये सब तो आप देख के समझ ही गए होंगे। वैसे भी तो लोधा इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट डेवलपर्स में आते हैं, जहां जहां पे भी इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है एक अच्छा रेपुटेशन कमाया है, नाम कमाया है इन्होंने। अब इसका डिटेल की बात करता हूँ, रेडी टू मूव 24 आवर्स BMC वाटर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ ये पूरे प्रोजेक्ट इन्होंने हैंड ओवर किया है बायर्स को, यूजर्स को। फ्री होल्ड लैंड है इसका, 23-23 माले का 4 टावर है इसमें, ईच फ्लोर 6 फ्लैट एंड 2 हाई स्पीड लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस, यानी एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट हैं और 2 स्टेयरकेस है इसमें, और एक अलग से 11 माले का सेपरेट पार्किंग के लिए टावर बनाया है इन्होंने, जिसमें सिर्फ कार पार्किंग रहने वाला है। यूं आप कह सकते हैं कि ये पार्किंग फ्री स्पेस है इसमें, कार पार्किंग फ्री जोन है इसमें। रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है पहले माले से, ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज है और कुछ कवर्ड पार्किंग है। इसमें 2 टाइप के व्यू हैं, सिटी व्यू भी है और पीछे का नेशनल पार्क का व्यू भी फ्लैट मिलता है आपको। इसमें हायर फ्लोर, मिडिल फ्लोर, लोअर फ्लोर, तीनों फ्लोर पे प्रॉपर्टी है इसमें। अगर आपको हायर फ्लोर पे जाना है तो हायर फ्लोर पे भी हमारे पास रीसेल में अवेलेबल है, मिडिल फ्लोर पे भी कुछ प्रॉपर्टीज है 1 और 2 BHK, और अगर किसी को मिडिल फ्लोर हायर फ्लोर नहीं लेना रहता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे लोअर फ्लोर ही चाहिए, तो फर्स्ट फ्लोर तो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाए हुए हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो आपको जिस भी फ्लोर पे चाहिए आप हमें फोन करें, हम आपको बताएंगे कि कौन से फ्लोर पे अवेलेबिलिटी है और क्या आपको कितने प्राइस में मिल सकता है। प्राइसिंग का तो मैं बात करूंगा इसी वीडियो में। सारे बैंकों से आपको लोन हो जाएगा, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, किसी भी बैंक से, जिसमें भी आपका सैलरी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट हो उसमें आप लोन ले सकते हैं। इन्वेंट्री इसमें 1 और 2 BHK है, कार्पेट एरिया 1 BHK का, 487 स्क्वायर फुट, 487 स्क्वायर फुट का इसका 1 BHK
का कारपेट एरिया है और स्टार्टिंग प्राइस इसमें 72 लाख, 71 लाख, 75 लाख, थोड़ा आप हायर फ्लोर पे जाते हैं तो 74-75 तक भी है। कुछ फ्लैट इसमें अर्जेंट में सेल करना है जो 70-71 लाख में भी है, जिसमें कार पार्किंग तो मस्ट हर एक फ्लैट में इंक्लूड करके ही लोधावाले ने सेल किया है। तो हर एक फ्लैट में आपको 1 BHK हो या फिर 2 BHK हो, इसमें कार पार्किंग इंक्लूडेड है। अगर आप 1 BHK भी 487 कारपेट आपको दे रहे हैं 70 लाख में या 72 लाख में अगर अवेलेबल, इसमें भी एक समझ लीजिए पोडियम पार्किंग का कार पार्किंग का वैल्यू लगभग कम से कम मीरा रोड में 7-8 लाख रुपए का है, जो आप इंक्लूडिंग फ्लैट के साथ इंक्लूड होकर आपको मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन फ्यूचर कभी भी आपके पास अगर गाड़ी हो तो ठीक है, अगर नहीं भी गाड़ी हो तो भी आपको एक वैल्यू कार पार्किंग का आपको मिलता है फ्लैट के साथ में। तो 70 लाख से स्टार्ट है और 70 से 75 तक कुछ 8-10 फ्लैट है हमारे पास सेल करने के लिए। दो टाइप के इसमें 2 BHK है, एक विदाउट डेक वाला है और एक डेक वाला है। डेक वाला जो है वो 709 स्क्वायर फुट का उसका कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइस 1/22, 1/25, 1/28, 1/20 से स्टार्ट हुआ है। तो हायर फ्लोर लोअर फ्लोर जिस टाइप का हो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें भी कार पार्किंग इंक्लूडेड है, इसमें भी कार पार्किंग आपको अलग से पेमेंट पुश करने की जरूरत नहीं, चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो विदाउट डेक है, विदाउट बालकनी है, उसकी कारपेट एरिया 687 स्क्वायर फुट का है, यानी कि इसमें ज्यादा 20 स्क्वायर फुट का फर्क है, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें स्टार्टिंग प्राइस 1,18,00,000 से 1,16,00,000 से स्टार्ट है। मेरे पास अभी एक अर्जेंट सेल में आया है जो 1,15,00,000 में उनको सेल करना है प्रॉपर्टी। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। अगर आपको साइलेंट इनकम चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट करके और फिर रेंटल इनकम ले सकते हैं, या फिर अगर आपको रहना भी है तो ये रहने के लिए भी बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ। तो आपने जो मैंने लाइव दिखाया है वो देख के समझ भी गए होंगे दोस्तों। कवर्ड कार पार्किंग यानी पोडियम कार पार्किंग दिया है इन्होंने 11 माले का, जो सारी चारों टावर्स के जो गाड़ियां हैं वो एक ही 11 माले के टावर में खड़े होंगे, रैंप के साथ दिया है बनाया है इन्होंने। एमिनिटीज इसमें क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, बैंक्वेट हॉल, जिमनासियम, जॉगिंग ट्रैक, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और मंदिर, ये तो मेन जो एमिनिटीज था वो मैंने आपको बता दिया। कनेक्टिविटी मैं आपको बता दूं कि यहां से आसपास में क्या कनेक्टिविटी है, बिकॉज जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आसपास में क्या चीजें, आपको क्या फैसिलिटीज है, क्या कनेक्टिविटी है। 2-5 मिनट के अंदर GCC क्लब, अशोका होटल, क्वालिटी इन होटल, GCC इंटरनेशनल स्कूल, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, MBMC यानी म्यूनसिपैलिटी गार्डन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मीरा भाईंदर रोड, मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, ऑटो रिक्शा स्टैंड, वेजिटेबल मार्केट बिल्कुल पास में ही है, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, 7 वंडर्स बर्धमान फैंटासी, स्टेट बैंक ATM, HDFC ATM, ICICI बैंक ATM, ये सब बिल्कुल आप 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं। 10-15 मिनट के अंदर आप मीरा रोड रेलवे स्टेशन, भाईंदर रेलवे स्टेशन, मैक्सिस मॉल, रॉयल कॉलेज, द बॉनबॉन क्लब, डी मार्ट, वकार्ड हॉस्पिटल, मैक्सिस मल्टीप्लेक्स थिएटर एंड मॉल, ठाकुर मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, फाउंटेन होटल, दहिसर चेकनाका, फैक्ट्री आउटलेट में जो बड़े बड़े ब्रांड के हैं जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बने हुए हैं, जिसमें 10,000 स्क्वायर फुट के आउटलेट्स खोला है, जिसमें ब्रांड में पेंटालूंस, एडिडास, पुमा, डीकैथलॉन, नाइकी, स्केचर, ये सब कुछ, संजय गांधी नेशनल पार्क, कार्निवल सिनेमा, भाईंदर खाड़ी, सनसेट पॉइंट। 30-45 मिनट के अंदर आप उत्तन बीच, बैलंकनी बीच, गोराई बीच, पाली बीच रिसोर्ट, वाटर किंगडम, एसएलओएल ग्लोबल विपासना, पेगोडा, घोड़बंदर रोड, सूरज वाटर पार्क, साई धाम मंदिर, ग्रोवल्स मॉल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये सब भी मुश्किल से 30-45 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। 1-2 घंटे के अंदर जो मुंबई की फेमस चीजें हैं, जैसे BKC, जुहू बीच, भंडरावली सी लिंक, सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, वानखेड़े स्टेडियम, तारापुर वाला एक्वेरियम, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा, एलिफेंटा कैव्स, ये सब भी मुश्किल से डिपेंड ऑन ट्रैफिक 1-2 घंटे के अंदर मैक्सिमम आप रीच कर जाते हैं। उसके बाद हमारी सर्विसेज मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम लोग सस्ते में क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं अपने व्यूअर्स को और अपने कस्टमर्स को। उसमें से जैसे ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है, जो न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम बात करेंगे। आइए हमारे सर्विसेज में और क्या क्या फायदे वाली प्रॉपर्टी कैसे प्रोवाइड करते हैं वो आप समझ लीजिए दोस्तों। सर्विसेज में हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन का भी काम करते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी आप हमसे परचेस करते हैं तो होम लोन के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको होम लोन भी हम पूरा करवा के देंगे, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। हमारे पर्सन आपके डोर टू डोर सर्विस देंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे और पूरा आपका काम करके देंगे। आगे दोस्तों बताऊँ, हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो रीसेल में प्रॉपर्टी आती है, आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे हजारों लाखों लोग
हमारी इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको अर्जेंट में कुछ प्रॉपर्टी सेल करना रहता है किसी भी लोकेशन में, तो वो हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें ये प्रॉपर्टी सेल करना है, और अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप देखें तो 20-20, 30-30 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये डिस्काउंट में वो मार्केट से सेल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अर्जेंट में बेचना है तो मुझे भाव कम करके बेचना पड़ेगा। और ऐसे मैंने कई लोगों को बेनिफिट करवाया है, गए महीने भी 4-5 प्रॉपर्टी हमने रीसेल में बेचा है जो 10-10 लाख रुपये कम भाव में बेचा है। ऐसी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ, साथ ही साथ जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है वो भी 30-40% डिस्काउंट पर प्रॉपर्टी आती है जो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। बैंक ऑक्शन करती है, कोई कुछ जो ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं उनका फ्लैट या प्रॉपर्टी उनकी ऑक्शन में चली जाती है, तो वो सीधे सीधे 40-50% डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरी जो हमारे पास लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है, बिल्डर को जब स्टार्टिंग बेस खड़ा करना होता है और लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी, तो कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी पीएलसी डिस्काउंट होता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है। ये सब जो डिस्काउंट वाली और फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें कि जब भी मैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी डालूँ, फायदे वाली डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी डालूँ, तो सबसे पहले उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसकी आपको सूचना मिल सके और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, अगर आप व्हाट्सअप से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, व्हाट्सअप हमेशा यूज़ करते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है, आप आपके व्हाट्सअप नंबर से आपका नाम, आपका लोकेशन, आपका बजट हमें लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर आपके बजट से रिलेटेड, आपके जो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जब प्रॉपर्टी आती है, तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जल्द से जल्द वो आप इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे, और अगर आपके पास पेमेंट हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके काम की चीज़ हो, तो आप उसको परचेस करके उसका फ़ायदा भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, फ़ायदेमंद लगता है, तो आप अपने फ्रेंड और फैमिली से भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर प्रॉपर्टी की नीड हो, परचेस करना हो, और अगर उनके पास कोई आसपास में प्रॉपर उनकी टीम नहीं हो या कोई डीलर नहीं हो या कोई चैनल पार्टनर नहीं हो, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में, स्टार्ट टू एंड पूरा डील करवाने में और क्लोज करने में। दोस्तों वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और हमें इतना पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी कोई फायदे की प्रॉपर्टी होगी या डिस्काउंट की प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होगी, उसमें नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स।